everyone. Speaking English is not a big deal. Me, Richa Sehgal. Let's start again. Last video में तुमने have, has ये सब कर लिया है और आज मैं सोची थी tenses कर लेते हैं. Tenses करने से तो हमारे 70% English और easily हम spoken English, basic English ये सारा हो जाएगा. तो सबसे पहले present, past and past participle तीन form होते हैं tense के. Present मैं खाती हूँ, I eat. Present जो कुछ अभी हो रहा है, recently जो हो रहा है, जो अभी हो रहा है, just हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं present tense. वर्तमान काल जो हिंदी में कहते हैं, तो जैसे present है, I eat, मैं खाती हूँ. I eat, मैं खाती हूँ. अब देखो हिंदी में तो ज़्यादा difficult है, तीन तीन words है इसमें. मैं खाती हूँ और English में और easy, I eat. अगर वो लड़का कोई है, he eats. यहाँ पे बस एक चीज और नोटिस करना, ही ईट्स और आई ईट. अब बस इसमें ना ये भी देखना कि वर्ब में एस लग जाता है और एस किस किस के में लगेगा. प्रेजेंट की बात है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर लाइक श्रेया ईट्स, सागर ईट्स, ऐसे करके तो ये सारे हो जाएंगे. और लेकिन ईट अगर इसमें एस किस किस में नहीं लगाना है तो आई, वी, दे और कोई भी ये कोई भी प्लूरल वर्ड्स इसमें नहीं लगाना है. एस, नो एस वर्ब के साथ, नो एस. और यहाँ पे वी हैव टू ऐड एस, एस को हमें लगाना है. जैसे अब तुम वर्ब तो तुमने लिस्ट देख लिया होगा, अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो आप, ईट, प्ले, सिंग, ये सारे वर्ब्स होते, क्रिया होते, कोई भी काम. आई ईट, मैं खाती हूँ. अब यही चीज मुझे पास्ट में बोलना है तो अगर ईट है यहाँ पे एट हो जाएगा. एट, आई एट, मैंने खाया था. शी एट, उसमें तो एस भी लगाना नहीं है, बस ये वाले लिस्ट आपके पास जो भी हो गए पास्ट टेंस की वही करनी है. शी एट, ही एट, ऐसे करके. और पास्ट पार्टिसिपल नाम तो ऐसे कंफ्यूज, इसमें हैव हैज मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो जाके क्लिक करके देखो. हैव हैज किस में लगना है, हैव हैज ये जिसमें जिसमें आपने एस ऐड किया है ना, इसमें इन सब में ही हैज लगेगा, हैज प्रेजेंट में. और इसमें क्या लगेगा, हैव. तो पास्ट पार्टिसिपल में हमें हैव और हैज ऐड करना होता है. और इसके साथ थर्ड, आई ईट, एट, ईटन. लॉकडाउन में ईटिंग ईटिंग ही चल रही है तो ईट पे ही मैंने पहले फोकस किया है. ईटन, ईटन, ठीक है, ईटन. तो आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव ईटन माई डिनर. और इधर अब लड़की है कोई, शी हैज ईटन हर ब्रेकफास्ट, शी हैज ईटन हर लंच, शी हैज ईटन हर डिनर. पूरे दिन खाते हो, खाते रहो, खाते रहो. ऐसे सिमिलरली आपको ऐसे 10 words अपने आज एक दिन में 10 words ही लो और ट्राई करो कि मैं पास्ट में कैसे बोलूंगा, प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा. और आई हैव और हैज, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट मीन्स होता है कि मैंने अपना खाना ब्रेकफास्ट कर लिया है, नाश्ता कर लिया, मैंने अपना नाश्ता कर रखा है, कर रखा है. ये कोई फ्यूचर टेंस नहीं है, जो चीज हो रखा है उसे हैव लगाना है और पास्ट पार्टिसिपल. तो ये जो लिस्ट है, गूगल खोलो, कोई भी ग्रामर की बुक जो भी घर में है उसमें सर्च करो, ये पूरी लिस्ट होती है. वर्ब्स आने बहुत जरूरी है, वर्ब्स, बस इसके एक लिस्ट को आपको लर्न करना है. और थोड़ा अगर आपको सिंसियर बनना पड़ेगा, ये लर्न कर लो और देखो 70% यू आर डन. कितना इजी है ना, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जो चीज कर रखा है उसमें ये वर्ड्स ऐड करनी है और जो प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट फॉर्म उसके वर्ड्स के ऐड करनी है, पास्ट फॉर्म में हैव हैज लगाना है, मैंने कर लिया, मैंने किया था. जैसे और एक वर्ड ले लो, बाय, व्हाट, ठीक है, और ऐसे व्हाट. बाय मीन्स खरीदना, I buy milk, आजकल milk, milk ही buy कर सकते हैं और vegetables. I bought,
आई बॉट क्लोथ्स फ्रॉम लाजपत नगर मार्केट, मतलब मैंने लाजपत नगर मार्केट से कपड़े लाए थे. एंड आई हैव बॉट्स, ला रखे हैं, बस सिंपल. आई बाय, मैंने खरीदा था और मैंने खरीद रखा है. फ्यूचर टेंस नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. इफ यू अंडरस्टैंड इट, अगर आपने समझा है इसे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रैक्टिस प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल. प्लीज बोलो और करो, बस वीडियो नहीं देखना, अपने मन में भी बोलना है. लिख के देखो तो बेस्ट है, 10 वर्ड्स तो लिख ही सकते हो. थैंक यू.